लिए, पर रैली जरूर निकालेंगे। इसका अब एक सरे उठा लिया था, ये अब इसकी टालता है नहीं जी। नगर प्रशासन अब फिर आनाकानी करने का काम करता है परमिशन देने में, तो ये यात्रा समाज के सभी लोगों से बैठ करके तारीख रख करके निश्चित रूप से निकाली जाएगी। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अंतराम तंवर है, मैं राष्ट्रीय गुर्जर सम्मेलन समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे को पता चला कि यहाँ पंचायत हो रही है, गुजरात पंचायत हो रही है। पिछली बार कुछ बात हुई थी, कुछ प्रशासन की कमी रही, कुछ हमारी भी ढीली ढाली बात थी, तो यात्रा रोक दी। तो उस यात्रा का दुख पूरे देश में है। ये अपना सहारनपुर ज़िला ऐसा है, गुजर कन्याकुमारी तेर काश्मीर तक, हम इसको बड़ा जिला मानने हैं, मुख्य जिला मानते आए हैं पहले से ही। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे राजनीतिक कार्य से हो, हमारा ये जिला एक स्वर्ण रहा, बढ़िया रहा, सबसे ऊपर है। तो यहाँ की जो बात है सहारनपुर की, उसका पूरे प्रदेश में उसका वो जाता है। तो ये आज युवा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे थे, युवा थे, इन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं। तो हिसाब ये हमारे प्रधान और ये जिम्मेवार आदमी थे इलाके के, इन्होंने प्रधान दिया कि हम रैली निकालेंगे, कोई अपनी डेट रख रहे हैं मिलकर, कोई डेट रख रहेंगे, रैली निकालेंगे और रैली शांतिपूर्वक निकालेंगे। कोई हम भाई कोई उग्रवादी नहीं, कोई हम वैसे नहीं, कोई भी मतलब कि कोई ये समझे कि हम कोई उग्रवाद करेंगे या कोई बिगाड़ करेंगे या कोई तोड़ फोड़ करेंगे, हम तो शांति प्रिय ढंग से रैली निकालेंगे। और रैली ये निकलेगी भी हमारी, प्रशासन मान जाएगा, प्रशासन तो तभी तो करेगा जब हम कुछ गड़बड़ करेंगे, जब हम कुछ गड़बड़ नहीं, प्रशासन के सहयोग से जो प्रशासन कहेगा उसी तरह से चलेंगे, उसी तरह से वो करेंगे। पर रैली जरूर निकालेंगे, इसका अब एक सरे उठा लिया था, ये अब इसकी टालता है नहीं जी। आज यहाँ गुर्जर समाज के सभी जिम्मेदार साथियों की मीटिंग हुई है, और मीटिंग में चूंकि एक प्रकरण लगातार पिछले 15-20 दिन से जिले सहारनपुर में चल रहा है, हमारे संघ परिवार के लोगों द्वारा एक यात्रा निकाली जानी थी, इसकी परमिशन नहीं दी गई, अन्यथा कुछ लोगों ने उसमें परमिशन में टांग अड़ाने की कोशिश की गई, उसके विषय में यहाँ गुर्जर भवन में सभी युवा साथियों द्वारा, बड़े बुजुर्गों द्वारा, सभी हमारे जितने जिम्मेदार लोग हैं समाज के, सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और यह तय हुआ कि कमेटी बना करके निश्चित बहुत जल्दी एक कमेटी तैयार होगी जिससे कोई तनाव या जिले में या किसी तरह का ना हो, और बड़ी समझदारी के साथ बहुत जल्दी बहुत समय कम समय में कोई तारीख रख दी जाएगी और एक भव्य यात्रा गुर्जर समाज मीरपुर जी की जिला सहारनपुर में निकाली जाएगी। परमिशन जिनको नहीं मिली जब तक चुनाव का बहाना था, हम लोगों ने देख लिया। प्रशासन, अगर प्रशासन की नीयत यह है कि वो नहीं निकालने देना चाहता, तो हम प्रशासन से कानून के दायरे में रह करके पूरा कानूनी तरीके से उनसे परमिशन लेने का काम करेंगे, उनकी हर एक बात मानने का काम करेंगे। लेकिन अगर प्रशासन अब फिर आनाकानी करने का काम करता है परमिशन देने में, तो यात्रा समाज के सभी लोगों से बैठ करके तारीख रख करके निश्चित रूप से निकाली जाए। तो समाज की बात है ना, किसी पार्टी की बात है ना किसी संगठन की बात है, ये केवल और केवल गुर्जर समाज के युवा साथी और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से यात्रा निकलने का काम होगा।